संत शिरोमणि आचार्य गुरु व श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब ये क्रम इस दृष्टिकोण से तो फिट बैठ जाता है ना। बाकी सूत्रकार ही जाने कि इस तरीके से सूत्र को लिखने का एक अभिप्राय क्या हो सकता है। सम्मूर्छन जन्म वाले, फिर गर्भ जन्म वाले और फिर उपपात जन्म वाले, है ना। तो यही चीज इसमें फिट बैठती है, बाकी और कोई चीज फिट बैठती नहीं है। तो इस तरीके से ये जो जीवों के तीन प्रकार के जन्म हैं, इसके बारे में इतनी सी जानकारी सबको होनी ही चाहिए कि दुनिया में जो चार गति के जीव हैं, उन चार गति के जीवों में यही तीन प्रकार का जन्म ही रहता है। अगर आपको गति के हिसाब से भी पूछा जाए तो आपको तुरंत बोलने में अब आ जाना चाहिए। नरक गति में जीवों का जन्म कौन सा? उपाल जन्म। देव गति में जीवों का जन्म कौन सा? मनुष्य गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ जन्म, है ना। और त्रियंश गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ भी है और सम्मूर्छन भी है। अब आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान दें कि मनुष्य में भी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, है ना। लब्धि अपर्याप्तक, जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है, जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से अपर्याप्त ही होंगे और वह एक श्वास के 18वें भाग में उनका भी जन्म मरण होता है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो गर्भज नहीं होते, वो सम्मूर्छन होंगे। क्या सुना? गर्भज कौन होंगे? जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव होंगे वही गर्भज होंगे, है ना। मनुष्य में होते तो सभी पंचेंद्रिय ही हैं, लेकिन पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, ऐसा जानना। तो जो पर्याप्तक होंगे वो गर्भ जन्म वाले होंगे और जो अपर्याप्तक होंगे वो सम्मूर्छन जन्म वाले होंगे। तो इस दृष्टिकोण से मनुष्यों में गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं, और त्रियंश गति में भी गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं, ठीक है। इसी के आगे अब यहां पर योनियों का वर्णन प्रारंभ होता है। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। ये जन्म और योनि, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। जन्म तो योनि के आधार से होने वाला कार्य है, यानी योनि तो एक हो गया आधार और जन्म होना उसका ऊपर होने वाला एक कार्य है। तो ये जन्म कहां होता है? तो आचार्य कहते हैं इन योनियों में जन्म होता है, है ना। अब देखो यहां योनियों को किस तरीके से व्याख्यायित किया गया है। योनियों में आचार्य यहां बताते हैं सचित्त योनि होती हैं। कुछ योनियां कैसी होती हैं? सचित्त। सचित्त का मतलब होता है जिसमें जीव का संयोग हो, चैतन्य परिणाम जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, जो चित्त से सहित माने चैतना से सहित जो योनि हो उसको बोलेंगे सचित्त।
अचित, उसके बाद में शीत। शीत माने मतलब योनि के जो पुद्गल प्रदेश हैं वो शीत प्रकृति के होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? शीत योनि, है ना। और संव्रत, संव्रत का मतलब होता है ऐसे योनि स्थान जो देखने में ना आए, है ना, जो देखने में दुरूह हो, कठिन हो, दुरुपलक्ष प्रदेश जो होते हैं उन्हें संव्रत कहा जाता है। तो ये तीन भेद बताए पहले, कौन कौन से? सचित, शीत, संव्रत। अब आचार्य आगे कहते हैं से तराह, इन्हीं का आप उल्टा भी कर लेना, यानी सचित्त का उल्टा करना तो क्या हो जाएगा? अचित। कुछ योनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जीव नहीं होता, चैतन्य परिणाम जीव का नहीं जुड़ा होता, तो भी वह योनि स्थान होता है, उसको बोलते हैं अचित योनि। शीत का उल्टा करेंगे तो उष्ण कहलाएगा, है ना। तो उष्ण स्थान भी योनि स्थान होते हैं, उष्ण स्थानों पर भी जीवों के जन्म होते हैं। और संव्रत का उल्टा करेंगे तो होगा विव्रत, माने ऐसे प्रदेश जो खुले हुए हों, देखने में आए, है ना। संव्रत माने एक तरह से ढके हुए, दिखाई ना दें, और विव्रत माने खुले हुए। तो इस तरह से ये तीन के उल्टे तीन ये योनियों के भेद और जानना, ठीक है। अब इसका मिश्र करना, मिश्र का मतलब अब तीन जो है इन दोनों को जोड़ करके भंग बनाना, तो सचित्ता चित्त मिश्र योनि होगी, ऐसी भी जो सचित्त भी है अचित्त भी है, शीत भी है उष्ण भी है, है ना, दोनों तरह की है, और संव्रत भी है और विव्रत भी है। इस तरीके से ये योनियों के नौ भेद हो जाते हैं। कितने? नौ भेद। थोड़ा सा समझने के लिए जैसे जो ऊपर जन्म का सूत्र आया है इसी के अनुसार अगर समझते हैं तो सचित्त योनि और अचित्त योनि और सचित्ता चित्त योनि, है ना, इसके विषय में यदि विचार करें तो देव और नारकियों की जो योनि स्थान होते हैं वो सभी अचित्त बताए गए हैं। कैसे? अचित्त होते हैं। साधारण जो जीव होते हैं वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक, उनका जो योनि स्थान है उसको केवल सचित्त योनि स्थान कहा गया है, है ना, क्योंकि वहां पर एक दूसरे के आश्रय से ही जीव रहते हैं। एक ही स्थान पर अनंत जीवों का एक दूसरे के आश्रय से मिलकर के एक दूसरे में उत्पन्न होकर के रहना होता है, है ना, इसलिए वो है सचित्त योनि कही गई, चित्त से यानी चेतना या जीव से सहित योनि स्थान वो सचित्त है। और बाकी के जो जीवों के स्थान हैं वो आचार्य कहते हैं किन्हीं के सचित्त भी हो सकते हैं, किन्हीं के अचित्त भी हो सकते हैं, और किन्हीं के मिश्र भी हो सकते हैं, है ना। मिश्र के रूप में अगर बताया गया तो गर्भ जन्म वाले जो जीव होते हैं उनको जो है मिश्र योनि के रूप में बताया गया, है ना। उसमें भी ये बताया गया कि जो शुक्र और शोणित होता है ये तो होता है अचित्त, लेकिन जिस माता के उदर में ये होता है वो माता का जीव से सहित होने के कारण से वो कहलाता है सचित्त। तो सचित्त और अचित्त का इस तरह से मिश्रण होने के कारण से उसे मिश्र योनि कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ये सचित्त के विषय में बताया, इसी तरीके से शीत उष्ण और शीतोष्ण के विषय में अगर जानना चाहें तो देव और नारकियों के जो उत्पाद स्थान होते हैं उनमें से किसी के शीत होते हैं और किसी के उष्ण भी होते हैं, है ना। अब नारकियों में तो हम ये प्रत्यक्ष प्रकट रूप से जानते ही हैं कि जो ऊपर के बिलों में रहने वाले नारकी हैं वो सभी उष्ण योनि वाले होते हैं, उष्ण स्थान होते हैं, और नीचे के जो बिल होते हैं उनमें शीत प्रकृति वाले, शीत के साथ में रहने वाले होते हैं, तो वहां पर शीत स्थान भी होते हैं और उष्ण स्थान भी होते हैं। देवों में कहां किसका शीत है कहां किसका उष्ण है ऐसा कोई स्पष्टीकरण तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये जानना कि देवों में भी किन्हीं के शीत स्थान है योनि स्थान और किन्हीं के उष्ण स्थान।
इसके अलावा एकांत रूप से केवल शीत योनि स्थान अगर होएगा तो वो जल कायिक जीवों का होएगा, है ना, और उष्ण योनि स्थान होएगा तो वो केवल अग्नि कायिक जीवों का होगा, बाकी सब जीवों का मिश्र होएगा, है ना। इतना इसका थोड़ा सा डिटेल जानना। और इसी तरीके से संव्रत विव्रत और मिश्र के विषय में भी है, है ना। तो देव नारकियों के और एकिंद्रियों के जो योनि स्थान होते हैं ये सभी संव्रत बताए गए हैं। कैसे होते हैं ये संव्रत। और विकलेंद्रियों के जो होते हैं दो इंद्री तीन इंद्री आदि जो विकलेंद्री हैं इनके होते हैं विव्रत, ठीक है, और बाकी सब जीवों के मिश्र रूप होते हैं। इस तरीके से इन योनि स्थानों की यह जानकारियां हमें जो शास्त्रों में मिलती हैं वो आपको बता दी गई। इसके अलावा इसमें च शब्द भी आता है, देखने वाला मिश्रास चई कशह, च आया ना च ई कशह, एक एक करके इनको मिलाना तब जो है योनि स्थान बन जाते हैं। तो आचार्यों ने यहां पर च शब्द से 84 लाख योनियों का भी वर्णन बताया है, ये जान लेना। जो सुनते रहते हो ना कितनी योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। यहां तो कितनी बताई, यहां तो 9 प्रकार की बताई। अब इन्हीं 9 के भेद कर लेना तो कितने हो जाएंगे, 84 लाख हो जाते हैं। जानना चाहोगे कैसे होते हैं, एक बार तो जान ही लो, बार बार पूछते रहते हो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितनी बार होता है, कहाँ होता है, है ना। तो देखो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, ठीक है, नित्य निगोध इतर निगोध कितने हो गए, गणित करते रहो, 6 हो गए। सबकी 7-7 लाख योनियां होती हैं, कितनी कितने हो गए, 42 लाख योनियां हो गई हर एक की। कितनी योनि स्थान होते हैं, 7-7 लाख, माने पृथ्वी का एक की योनियां 7 लाख, जल का एक की 7 लाख, अग्नि का एक की 7 लाख, वायु का एक की, और नित्य निगोध इतर निगोध जो साधारण वनस्पति का एक होते हैं उनके दो भेद हो जाते हैं, एक नित्य निगोध और एक इतर निगोध, इनकी भी 7 लाख 7 लाख अलग अलग योनियां होती हैं। तो कितने हो गए, 42 लाख हो गए, ठीक है ना, 42 ही और बचे। अब देखो क्या बचा, विकलत्र है ना, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, इनकी 2-2 लाख योनियां होती हैं, कितने हो गए, 6, है ना। बीच में साधारण वनस्पति काय के लिए तो बता दिया, अब जो और प्रत्येक वनस्पति काय होते हैं उनकी 10 लाख योनियां होती हैं, कितनी 10 लाख, ठीक है ना। देव नारकी और पंचेंद्री जीव, उसमें भी पंचेंद्री त्रियंशी, उनकी 6-6 लाख योनियां होती हैं, कितनी 6-6 लाख नहीं 4-4 लाख होंगे, है ना, 4-4, 4 3 12 जोड़ते जाओ, कुछ हेल्प भी करो हमारी, है ना। और जो मनुष्य हैं उनकी 14 लाख योनियां होती हैं, 42 तो एक हो ही चुके थे, है ना, प्रत्येक वनस्पति का एक की 10 लाख और 2, 4, 6 विकलत्री की 6 लाख, 10 और 6, 16 और मनुष्यों की 14, तो 16, 4, 20, 10, 30 है ना, और 12 वो हो गए जो विकलत्रय के बचे थे, है नहीं, उनके देव नारकी और त्रियंशों के 4-4 लाख, तो 30 और 12 ये 42 ही हो गए, और 42 वो थे, हो गया 84 लाख योनियां। इस तरह से जानना, हमेशा ध्यान रखना, अब भूलना नहीं, ठीक है ना। अब आप देखो, आप पूछते हो 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म कितनी बार मिलता है, अब आपको यही नहीं पता, इसमें जन्म की बारी नहीं बताई गई, ऐसा कहीं नहीं है आगम में कि मनुष्य जन्म कितने बार मिलता है वो फिक्स होता है,
योनियां फिक्स हैं। मनुष्य की योनियां कितनी है? तो 84 लाख योनि स्थान हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां, सॉरी 14 लाख प्रकार की योनियां हैं। मतलब इतने प्रकार से मनुष्य हैं जिनमें अलग अलग उन योनियों के कारण से उनके स्थानों को अलग अलग व्याख्यायित किया गया है। तो ये विशेष चीज है जानने वाली, 84 लाख योनियों में कहीं पर भी किसी भी योनि में किसी भी जीव का जन्म कितनी ही बार संभव है, इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, है? कि कितनी बार मनुष्य होता है, क्या होता है, मनुष्य भी कई बार होता है, नारकी देव भी कई बार होता है, और त्रियंश भी कई बार होता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है योनियों का प्रकरण इस तरीके से आचार्यों ने यहां बताया है जिनके आधार पर यह जन्म होता है, है ना। अब इसके आगे जो वर्णन आता है वो थोड़ा और सुनना चाहोगे? बता दूं, ये योनियों का वर्णन वही बताया है, इसके साथ साथ कुछ और विशेष चीज एक और जान सकते हो। मनुष्यों के लिए या अन्य जन्म लेने वाले जो जीव हैं उनमें भी एक आकृति के अनुसार भी योनियों का वर्णन आता है। किसके अनुसार? हाँ, तीन प्रकार की आकृतियां बताई हैं योनियों की जहां पर ये जीव जन्म लेते हैं। एक होती है शंखावर्त योनि, शंख के समान जिसमें आवर्त होते हैं उस योनि को बोलते हैं शंखावर्त योनि। एक होती है कूर्मोन्नत योनि, कूर्म बोलते हैं कछुए की पीठ के समान ऊपर उठी हुई योनि होती है उसको बोलते हैं कूर्मोन्नत योनि। और एक होती है वंशपत्र योनि, है ना, बांस का पत्ता जैसा होता है उसकी तरह जिसकी योनि होती है उसको बोलते हैं वंशपत्र योनि। अब इसमें एक विशेषता ही बताई गई कि जो शंखावर्त योनि होती है इसमें कभी गर्भ ठहरता नहीं, है ना, या उसमें जीव उत्पन्न होगा तो मर जाएगा, विवर्जित हो जाता है, मतलब उसमें गर्भ ठहरता नहीं शंखावर्त योनि में। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 32 में हमने जाना कि जन्म इन योनियों में होता है, योनि आधार है और जन्म होना उसके ऊपर होने वाला कार्य है। योनियों के 9 भेद होते हैं। पहला सचित्त योनि, जिसमें जीव का संयोग हो। दूसरा शीत योनि, जिसमें योनि के पुत्कल प्रदेश शीत प्रकृति के हो। तीसरा संवृत्त योनि, जिसमें योनि स्थान संवृत्त हो अर्थात देखने में ना आए। अगले 3 भेद इन्हें उल्टा करने से आते हैं, जैसे चौथा अचित्त योनि, जिनमें जीव नहीं होता। पांचवा उष्ण योनि, जिसमें योनि के उत्कल प्रदेश उष्ण प्रकृति के हो। छठवा विवृत्त योनि, जिसमें योनि स्थान विवृत्त हो अर्थात जो खुले हुए हो देखने में आए। और अंतिम 3 भेद इन दोनों का भंग करने से मिलते हैं, जैसे सातवा सचित्त अचित्त योनि, ऐसे मिश्र योनि जो सचित्त भी है और अचित्त भी। आठवा शीतोष्ण योनि, जो शीत भी है और उष्ण भी। नौवा संवित्र विवृत्त योनि, जो संवित्त भी है और विवृत्त भी। हमने जाना कि देव और नारकियों के योनि स्थान अचित्त होते हैं, साधारण वनस्पति काय के योनि स्थान सचित्त होते हैं क्योंकि वहां पर एक दूसरे के आश्रय से ही जीव रहते हैं। बाकी के जीवों के स्थान सचित्त अचित्त या मिश्र हो सकते हैं। हमने जाना कि शुक्र और शोणित अचित्त होते हैं, लेकिन जिस उदर में यह होता है उस माता के यह सचित्त है, अतः गर्भ जन्म वाली योनि मिश्र योनि होती है। नरक में ऊपर के बिल उष्ण योनि और नीचे के बिल शीत योनि के होते हैं। देवों में भी शीत और उष्ण दोनों ही स्थान होते हैं, लेकिन कहाँ कौन सा है इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। एकांत रूप से शीत स्थान केवल जल का एक जीवों का होगा, उष्ण स्थान केवल अग्नि का एक जीवों का होगा, बाकी सब जीवों का मिश्र होगा। इसी तरह देवों नारकियों
और एक इंद्रियों के योनि स्थान समृद्ध होते हैं, विकलेंद्रियों के विवृत्त होते हैं, शेष मिश्र रूप होते हैं। च एकेश, इसमें आचार्यों ने च शब्द से 84 लाख योनियों का भी वर्णन बताया है। एक एक करके इनको मिलाने से 9 प्रकार के योनि स्थान बन जाते हैं, जिनके भेद करने से 84 लाख प्रभेद बनते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति के नित्य निगोद और इतर निगोद में प्रत्येक के 7 लाख योनि स्थान होने से 32 लाख, विकलेंद्रियों के 2-2 लाख योनियां होने से कुल 6 लाख, प्रत्येक वनस्पति कायिक के 10 लाख, देव, नारकी और पंचेंद्रिय त्रियंश के 4-4 लाख स्थान होने से 12 लाख और मनुष्य के 14 लाख। अक्सर हम सोचते हैं कि मनुष्य जन्म कितनी बार मिलेगा, मगर आगम में यह फिक्स नहीं है, केवल योनि स्थान फिक्स है। 84 लाख योनियों में कोई भी जीव कितनी बार भी किसी भी योनि में जन्म ले सकता है। आगे हमने आकृति के अनुसार योनियों के प्रकार को भी जाना। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई।